हिमाचल पुलिस ने नए साल में क्राइम रेट को कम करने की बात कही है। वहीं हिमाचल पुलिस नए साल में न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर क्राइम केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाएगी। डीजीपी संजय कुंडू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साल 2022 हिमाचल पुलिस के लिए शानदार रहा है, ऐसे में अब नए साल में हम क्राइम रेट को कम करने के लिए और बेहतर काम करेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि क्राइम केस सॉल्व करने और स्टेट में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हम न्यूयॉर्क पुलिस के तरीकों को फॉलो करेंगे। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस के खुफिया तंत्र को काफी मजबूत माना जाता है, त्वरित कार्रवाई, एडवांस प्लानिंग, साइबर सुरक्षा के तरीके न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से अपनाए जाते हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस फोर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस ने 2 करोड़ की नकदी भी चुनाव के दौरान पकड़ी थी, जो चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2021 में 612 रेप केस और पोक्सो एक्ट तहत दर्ज किए गए, जबकि 2022 में महज 543 केस ही रजिस्टर्ड हुए। हिमाचल पुलिस की 2023 प्लान के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत केसों को लेकर पुलिस सतर्कता बरतेगी। इसी को लेकर डीजीपी संजय कुंडू और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। देखिए, मैं इसके लिए पूरी फोर्स का हमारे मतलब एडिशनल डीजी से लेके कांस्टेबल से लेके जितने क्लास फोर हैं, चाहे वो कुक्स हैं चाहे वो स्वीपर हैं, सबका एज ए टीम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके रोल को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि पुलिस का काम टीम वर्क है और पूरी टीम जब तक काम ना करे तब तक पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, पिछले एक साल में आपने सही बताया, हमको काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उसके लिए जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली थे इनडायरेक्टली थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की, कुछ पिटफॉल्स भी थे और जो पिटफॉल्स थे उससे हमको सीखना है और मैं आशा करता हूँ कि सन 2023 में हम पिछले साल से बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्राइम काफ़ी अंडर कंट्रोल रहा और 2 एस्पेक्ट्स हैं या 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने विशेषकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरा है ड्रग्स का और तीसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। तो 3 फोकस एरियाज में हमारे सब लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो भैया जी, बात की 2020 में जब जून में हमारी टीम गई थी तो उसमें 5 यंग IPS ऑफिसर्स थे, 2 महिलाएं भी थी उसमें, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके बाद हम रेगुलरली टीम भेजते जा रहे हैं। हमने 12 पॉइंट्स रिकमेंड किए थे सरकार को, मुझे बड़ी खुशी कि 12 के 12 पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक जो बड़ा इशू था डीपॉपुलेशन, वो भी पिछले यूनियन कैबिनेट में एक नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलाया, उसके द्वारा एड्रेस कर रहे हैं। आज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे जो बॉर्डर पे है स्थिति पिछले 2 साल से बहुत बेहतर है। रहेगा किस तरह से आगामी वर्ष के लिए जो कार्य किए जाएंगे? देखिए, जैसे आपको अभी हमने प्रेजेंटेशन में बताया, हम जो वर्ल्ड की सबसे बेहतर फोर्स है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इसी तरह की मॉनिटरिंग है, रिव्यू है, उसी तरह का डाटा एनालिटिक्स हम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि 2023 में भी जो हमारे फोकस एरियाज हैं उसमें हम अच्छा कर पाएं। साथ के साथ पिछले 2.5 साल में साइबर क्राइम बहुत बड़ा अपराध उभर के आया है, मैं आशा करता हूं कि इसमें भी बहुत अच्छा हम काम कर पाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइज क्राइम है, जैसे इलीगल माइनिंग है, लिकर है, इसमें भी अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए, इसमें काफ़ी काम हुआ है, आगे बहुत काम हुआ है और उसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को उन्होंने नोटिफाई किया है और साथ के साथ CID में हमको ड्रग इंस्पेक्टर्स भी उपलब्ध करवाए हैं। आज के दिन में हम जितने भी केमिस्ट शॉप है, हम जितने भी फार्मेसीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसको एक रोस्टर के हिसाब से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, जैसे एक फार्मा ओपियाइड्स थे, जैसे ट्रेमाडोल जिसमें ओपियम यूज होता है मेडिसिन के लिए, पहले ये एलिगेशन था कि हिमाचल में से फार्मा ओपियाइड्स बन के बॉर्डर एरियाज में जाते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, उसको हम बिल्कुल रोक पाए हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ED के द्वारा अटैच हुई है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्रग्स के मामले में हमने बहुत बेहतर काम किया है। ये है जरूर कि आज भी है, ये तो बात है कि कभी एकदम खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन 2.5 साल जो पहले स्थिति थी उससे आज बहुत बेहतर है, चाहे वो
कैनबिस हो, चाहे ओपीएम हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे सिंथेटिक ड्रग्स है, इसमें बहुत काम हुआ है। जो फैक्ट्रीज हमने डिमोलिश की है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स को डिमोलिश किया है। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि आज के दिन में पिछले साल की तुलना में 40% जो है वो जेल में ज्यादा बंद है, कन्विक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो जो रूल ऑफ लॉ से जो हम कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, उनको सजा दिला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए, आपकी बात सही है कि हिमाचल में स्पेशली धर्मशाला में हिज होलीनेस दलाई लामा रहते हैं और टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, टिबेटन गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश में टिबेटन्स की पॉपुलेशन काफ़ी है, 21,000 के करीब टिबेटन्स हैं, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी ड्वेलिंग्स हैं, हम सब पे नज़र बनाए हुए हैं और समय रहते हैं हम भारत सरकार को और बाकी इन अन्य एजेंसीज को सूचित कर रहे हैं। आपको जान के ये भी खुशी होगी, पिछले 1-2 साल में जो चार्ली पेंक के साथ इन्वॉल्व थी एक लेडी, जर्मन पासपोर्ट की थी, उसको भी हमने बीर बिलिंग से पकड़ा था, और हाल ही में एक लेडी को पकड़ा जो नेपाल के फर्जी दस्तावेज लेके आई। तो हम बिल्कुल चौकस हैं और भारत सरकार से और अन्य सुरक्षा एजेंसी से हम समन्वय बनाए हुए हैं। नहीं देखिए, ऐसा मैं जैसे आपको बताया, हमारा 600 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर लगता है इंटरस्टेट, हम बिल्कुल सतर्क हैं और हमारे नाके हर जगह हैं, हमारे इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन है, हम इंश्योर करते हैं कि कोई क्राइम हो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाएं। आप ये कह सकते हैं हम वी आर फुली अलर्ट एंड अलाइव टू द सिचुएशन। थैंक यू।